गुड मॉर्निंग. बजट से पहले थोड़ा संभलने की कोशिश में बाजार आज ऑफकोर्स थोड़ा रीबाउंड भी आ रहा है सर. बताएं आपका बाजार पर नजरिया और आपके कॉल्स के अपडेट्स. हाँ गुड मॉर्निंग. तो दीपांशु, मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बजट में काफी कुछ अब यू नो एज फार एज कोई नेगेटिव न्यूज ना आए देन आई थिंक वी शुड रैली. अडानी के ऊपर कमेंट करना मुश्किल है, दे आर ऑलरेडी टेलिंग यू व्हाट द वैल्यू इज एंड वी हैव टू लिव विद दैट. बट द ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ सीजन और बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक दैट मैंने जैसे आपको कहा फ्रॉम द बजट एंड मे बी अनदर गिव इट अनदर डे फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी शुड स्टार्ट टू सी इंडिया आउट परफॉर्म ग्लोबल मार्केट. And there is no question about that. Results have been far excellent. So this is a very good buying opportunity. Update दे दूं. आपको फ्राइडे को DLF दिया था, कैन बैंक दिया था, SBI सारे अपने अपने टारगेट से ज्यादा हो गए. अब आपके लिए दो पिक्स है ऑन ऑन बेस ऑफ द रिजल्ट जो बाय है. भसीन साहब प्लीज बताएं सर. तो देखिए दीपांशु, NTPC के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कि पावर कंपनीज विल. तो 3 तारीख को 2 रिजल्ट हैं, टाटा पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों में बाय कीजिए. टाटा पावर मैंने 201.2 में भी कहा था, 196 का स्टॉप लॉस था. अब मैं कह रहा हूं कि 230 का टारगेट हो जाएगा. 3 तारीख को रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट इन 16 क्वार्टर. तो 198 का स्टॉप लॉस रखिए. टाटा पावर इज हेडेड टू 230 नॉट 225. एंड नेक्स्ट इज बैंक ऑफ बड़ौदा. कीप टूडेज लो एज योर स्टॉप लॉस. This the results will be the best in the PSU pack, even better than State Bank. And I can foresee new highs, but right now 180 ka target hai. Today's low is your stop loss if you are a trader because of the volatility, but don't sell it till 180, which can come on the 3rd of February when the results will be blockbuster. ओके तो शानदार नतीजे आने वाले हैं टाटा पावर के, खरीदारी करिए इस पर और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी रखिए नजर. यहां पर भी आपको एक्शन अच्छा बनते हुए दिख सकेगा. दो बेहतरीन कॉल्स भसीन साहब की तरफ से यहां पर रखनी है नजर. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़कर अपनी कॉल शेयर करने के लिए. आज बाउंस बैक का डे दिख रहा है, हालांकि अब थोड़ा बाजार स्टेबल हो गए. जितनी तेजी से रिकवर हुए थे अब थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग सपाट ही है बाजार. ऊपर से अदानी ग्रुप स्टॉक्स भी थोड़ा फिसले हैं, बट 5-5% की तेजी मेंटेन कर रहे हैं. बट अब एक्शन आ रहा है चुनिंदा मिड कैप बैंक्स की तरफ से.